यमुनानगर के थाना छप्पर इलाके के गांव जगधोली में संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की मौत हो गई। ससुरालियों की माने तो जैसे ही महिला की तबीयत खराब हुई तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरी ओर मायके पक्ष ने ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाया है। बता दें कि इस महिला की शादी 3 साल पहले हुई थी और उसका एक बेटा भी है। इसको ये वोमिटिंग हुई, घर पे अकेली थी, सास भी इसकी मंदर गई हुई थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। इसको पहले लोकल डॉक्टर को दिखाया गया, फिर हॉस्पिटल भी खुद लेके आए परिवार वाले, तो जहाँ इनको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ये आरोप गलत लग रहा हमें तो, क्योंकि इसके बाप से बात कराने की कोशिश करी गई, पर ये बात करने के उसमें कंडीशन में नहीं थी उस टाइम। ऐसा कोई, ये सब गलत बात है। आज तो कोई पंचायत, इसका जो लेडीज थी, इसका अपनी सास के साथ बहुत गहरा प्यार था, उसने अपनी लड़की की तरह रखी हुई थी और इसको कॉलेज भेजती थी। इसकी सास अपने घर में खाना बनाती थी, 1 साल का बच्चा रखती थी और इसको कॉलेज भेजती थी। तो ये चलो हादसा हो गया, इसमें लड़की वाले अपनी तरफ से जो भी कह रहे हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। इस बीच मायके पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया है कि दहेज के लालच में ससुरालियों ने उनकी बेटी को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया है। वहीं परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने ससुरालियों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि हत्या के कारणों का पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। इसमें हमारे को इसका जो फादर है विनोद सनो बालकिशन निवासी कैथल से, उन्होंने एक शिकायत दी कि भी मेरी बेटी यहाँ जागदोली गांव में शादीशुदा थी, 3 साल पहले शादी हुई थी, जो उसके दहेज की के लिए उसकी हत्या कर दिया मेरी बेटी की। इन्होंने भी जहर खिलाया, दहेज मांगते थे, परेशान करते थे, प्रताड़ित करते थे इसका जो पति था विशाल। हाँ, अभी इन्होंने ये शिकायत दी है, इस पर मैंने एफ आई आर दर्ज कर दी है, अभी पोस्टमार्टम करवा रहे हैं उनका, उसका लड़की इसका पोस्टमार्टम आज करवाया। बाकी आगे जो PMR रिपोर्ट हमारे को मिलेगी उसमें देखते हैं क्या डॉक्टर देंगे, बाकी जांच का विषय है। वो दोनों ही अपने ऊपर, कोई भी अपने आप को वो नहीं कहता भाई हम गलत हैं, वो कह रहे अभी इसको नेचुरल डेथ है, इसको तो वैसे वोमिटिंग हुई थी। अब इसके बारे में तो उसकी डेथ के बारे तो पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर होगा, जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे को मिलेगी उससे क्लियर होगा। जो उसने अपने लड़की के पति ससुर वगैरह के खिलाफ जो शिकायत दी है उस पर हमने एफ आई आर लॉन्च कर दिया, 304B में दहेज हत्या में आता है ये, तो बाकी भी जांच करके जो भी बात सामने आएगी वो करेंगे। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। पंजाब के सीटीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।